देखिए 14 कोसी परिक्रमा के लिए अभी लोग आए जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, पूरा ये राम पथ है जो राम की पैड़ी से लेकर के पूरा फैजाबाद तक जाएगा। ये हेलो नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नई ब्लॉग में। अभी मैं पहुंचा हूं राम की पैड़ी अयोध्या पर और देख सकते हैं मेरे पीछे ये राम की पैड़ी का नज़ारा है जहां पर पानी चल रहा अभी भी। और दोस्तों आज से शुरू हो रहा है अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा, यानी आज 20 नवंबर की रात 2:09 पर 14 कोसी परिक्रमा शुरू होगा जो कल 21 नवंबर की रात में 11:36 पर समाप्त होनी है। यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए लगभग 20 लाख लोगों को आने का अंदाज है। और मैं अभी राम की पैड़ी पर हूँ, आप सभी को दिखाता हूँ कि यहाँ पर श्रद्धालु धीरे धीरे कैसे पहुँच रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु अब तक पहुँच चुके हैं और घाटों की तरफ ज़्यादा करके लोग हैं। मैं अभी राम की पैड़ी पर हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं जो स्क्रीन है जिस पर अब की बार जो है लेजर शो हुआ था और ये हमेशा के लिए लगा दिया गया है, अब इसको हटाया नहीं जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। और इस तरफ में ये सारी लेजर लाइटें हैं जो मैंने आप सभी को दीपोत्सव वाले वीडियो में दिखाया भी था, जो दीपोत्सव था। ये कहा जाता है कि रोज़ शाम को चलाया जाता है, रोज़ शाम को एक बार यहाँ पर लेजर शो होता है। और ये देखिए पानी के बीच में फाउंटेन लगे हुए हैं, ये फाउंटेन भी चलते हैं शाम को। और इस तरह में जो राम की पैड़ी में पानी छोड़ा जाता है उसका बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे लग रहा है वाटर पार्क है, सब लोग स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी पीसफुल और अच्छी सी जगह है। राम की पैड़ी अयोध्या बहुत ही भव्य बनाई गई है। करके चलता हूँ सरयू नदी के किनारे, वहाँ से दिखाता हूँ पूरा नया घाट होते हुए राम मंदिर तक पूरा जो है अयोध्या खचाखच भरा हुआ है आज। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कितनी ज़्यादा संख्या में भक्त यहाँ पर आए हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं 14 कोसी परिक्रमा में या फिर 5 कोसी परिक्रमा 22 तारीख को रात में शुरू होकर के 23 तारीख को रात में समाप्त होगी, उसमें भी आ सकते हैं जिसको भी करना हो अयोध्या तो चल। और इस तरह में देखिए आज जो है सारे पाइप जो भी 6 पॉइंट्स लगे हुए हैं उसमें से 4 से पानी जो है निकल रहा है। सामने देख सकते हैं 2 अभी भी बंद है, तो 6 पाइप को एक साथ नहीं चलाते हैं, इसमें से आधे बंद रहते हैं आधे चालू रहते हैं, आज फिलहाल 4 चालू है। तो फाइनली देख सकते हैं ये है राम की पैड़ी का नज़ारा, देखिए कैसे लोग स्नान करते हैं इसमें। आप भी आना चाहते हैं 14 कोसी या 5 कोसी परिक्रमा में तो 5 कोसी परिक्रमा 22 तारीख को रात में शुरू होने वाली है, तो आ सकते हैं। और बाकी वीडियो कैसे लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप सभी को लेकर के चलता हूँ सीधे सरयू तट पर और वहाँ से दिखाता हूँ कि क्या कुछ तैयारियाँ हैं यहाँ की। तो दोस्तों फाइनली आ गए हैं सरयू रिवर के किनारे, तो देखिए ये पूरा सरयू का नज़ारा है। इस तरह में देखिए पूरा जो है पुलिस ने बैरिकेड कर दिया है और जलस्तर काफ़ी कम हो गया है, तो पानी देख सकते हैं कितना नीचे जा चुका है। और ले चलता हूं आप सभी को घाट पर, दिखाता हूं कितना पानी है। और इस तरफ में लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये वो है जहां से राम की पैड़ी में पानी छोड़ा जाता है। ये 14 कोसी परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है परिक्रमा करते हैं पूरे 14 कोस दूरी का। तो देख सकते हैं इसके पहले मैंने आप सभी को बहुत बार दिखाया है लेकिन इतनी भीड़ देखने को कम मिली होगी। और ये अभी तो टाइम है यहाँ पर लोगों को पहुँचने का, तभी संख्या काफ़ी कम है। कल जब आप लोग आएंगे तो देखेंगे कितना लाख लोग यहाँ पर होंगे, ये पूरा घाट भरा होगा। और सामने देख सकते हैं जो घोड़ा की तरफ रोड जाता है वो वाला पुल है यहाँ पर। और इस तरह में सारी बोटें लगी हैं, लोग स्नान भी कर रहे हैं, देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा है। चलिए सीधे यहाँ से लेकर के चलता हूँ आप सभी को नया घाट, क्योंकि नया घाट जो है वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर अब है, वहाँ पर सबसे पहले ही लोग जाते हैं स्नान करने या फिर घूमने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लगा है आई लव अयोध्या का सेल्फी पॉइंट जो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में। इस तरफ देखिए बिल्कुल रोड के साइड में लगा है, यहाँ पर देखिए लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। इस तरह में जो पार्क और बैठने के एरिया बनाया गया यहाँ पर देखिए लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा है, सब अपना खा बना रहे हैं आराम से लेटे हैं, ये वो सेल्फी पॉइंट है। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ नया घाट, मेरे पीछे देख सकते हैं सारी बोटें लगी हुई हैं और मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ी है। ये देखिए और नया घाट का एरिया हुआ है जहाँ पर ये छप्पर ऊपर दिख रहे हैं, छोटे छोटे चौकियाँ बनाए हैं वहाँ पर लोग, और ये नया घाट की तरफ आने वाला रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, आते हैं 50 रुपये में बोटिंग भी आप कर सकते हैं मोटर बोट से।
और बाकी नया घाट पे देखिए भीड़ बढ़ रही है। ये सारे जो छप्पर ऊपर आप सभी दिखाई दे रहे हैं, सारी जो पंडित लोग होते हैं अपनी चौकियाँ बनाए हुए हैं, तख्ते उख्ते रखे रहते हैं। और यहाँ पर शाम को 7 बजे जो है आरती भी होती है माता। तो दोस्तों ये है नया घाट का रोड जो जिससे हम चल रहे हैं ये वाला, और सामने लता मंगेशकर चौक से इस तरफ में आता है। यहाँ पर आप सभी को सारी दुकानें मिल जाएंगी प्रसाद वरसाद लेने के लिए घर के लिए। तो दोस्तों फाइनली लता मंगेशकर चौक पहुँच चुका हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर लगी है भीड़ा। और इस तरफ में जो गोरखपुर बाईपास से रोड आता है राम की पैड़ी के लिए मुख्य मार्ग जो है, यहाँ पर देखिए कैसे पिलर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें लाइटें लगेंगी और काफ़ी अच्छा सा व्यू होगा आने वाले समय में। ये हनुमान जी की प्रतिमा है। और यहाँ तो दोस्तों फाइनली ये कुछ नज़ारा था यहाँ का 14 कोसी परिक्रमा को लेकर के जो तैयारियाँ हैं। और जैसा कि बता दूँ आज शाम से शहर के अंदर गाड़ियाँ जो हैं बंद कर दी जाएंगी, इसके अंदर नहीं लाने पाएंगे। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को बिल्कुल खाली करा दिया जाएगा। तो जो भी लोग आज रात में ट्रेवल करना चाहते हैं 20-21-23 तक, वो लोग शाम वाले में जो है ध्यान दें कि रास्ते बंद रहेंगे शहर के अंदर के जो परिक्रमा मार्ग होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये अपडेट अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर लेना, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को और भी लोगों के पास शेयर करना जिससे यहाँ पर आने वाले लोग इस जानकारी को जान पाएँ। चलिए मिलेंगे फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।